दिन सो योग के सफर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की योग क्रिया शुरू करें। क्या आपके घुटनों में दर्द है? आज की योग क्रिया से आप अपने घुटनों के दर्द में राहत पा सकेंगे। सबसे पहले आराम से खड़े हो जाएं, अपने हाथों को अपनी कमर पर रखें और अब बैलेंस बनाते हुए अपने दाएं पैर को हमें इस तरह से ऊपर उठाना है। जितना आप उठा सकते हैं अपने पैर को उठाएं। कुछ सेकंड के लिए यहीं पर होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने पैर को नीचे लेकर आएंगे। यही क्रिया अब हमें बाएं पैर से करनी है। सांस भरते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। इसे आपको दो बार जरूर दोहराना है। अगली क्रिया के लिए हम हाथों को सीधा करेंगे इस तरह से। अब हमें सांस भरते हुए अपने पैर की एड़ी को उठाना है, अपने पंजों पर आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसे भी दो बार जरूर करें। सांस भरते हुए अपनी पैर की एड़ी को उठाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अगली क्रिया के लिए हम इसी तरह से सांस भरते हुए अपने पैर की एड़ी को उठाएंगे, साथ में हमें अपने हाथों को भी उठाना है। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर साइड से अपने हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है और अपने पैर को भी नीचे करना है। इसे भी दो बार जरूर दोहराएं। एक बार फिर से देखेंगे, सांस भरते हुए अपने पैर की एड़ी को उठाएंगे, साथ में हाथ को भी हमें ऊपर उठाना है। कुछ सेकंड के लिए यहीं पर होल्ड करना है, फिर सांस छोड़ते हुए साइड से हाथों को नीचे लाएंगे, पैर को भी नीचे करेंगे। राम राम जी। आज हमारी पलटन पार्टी फिर बैठी है। कैसे आप सभी? हम प्रजिद है आप सभी के ऊपर वाले का आशीर्वाद एकदम बढ़िया। सुबह के हो गए 8:30 और घर से आए हुए लगभग 1.5 घंटा 1.25 घंटा हो गए। सारी हो गई है एक्सरसाइज योगा। अब एक काम बचा है घास पे चलने का, और बच्चों का काम है खेलने का। तो ये लोग मस्त खेलेंगे। इन्होंने कर लिए थोड़े थोड़े योगा सब ने। भाई आ जाओ रे, घास पे आ जाओ, बस बातें घास पे चलते चलते कर लियो, आ जाओ। इन लोगों की जी खेलने की तैयारी हो रही है। बोल रहे घास पे हम खेलेंगे तब चल लेंगे। अब देखे खेल कैसे, बाप का नकल बेटा चोर। ये क्या है, बाप का नकल बेटा चोर? पता है क्या क्या गेम बना लेते हैं। रविन का गेम, ओए तुम्हारे गेम का नाम क्या है? क्रोकोडाइल गेम। बन जाओ सारे क्रोकोडाइल, पर पसर जाओ सारा पार्क में। इनका गेम चेंज हो गया, अब इनका गेम हो गया जी चिड़िया उड़ा। देखना चिड़िया कैसे उड़ाएंगे। हो गए रेडी? ओके कबूतर उड़, सारे लाइन में आओ ना, सारे उड़ते दिखो मेरे को। आज एक नया गेम खेल रहे। लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, सारे सीधे एक सीधी लाइन में। देखो मजेदार गेम खेलेंगे आज। सब एक लाइन में आ जाओ। हाइट वाइज रहो ना, वो छोटे तो दिख नहीं रहे। पीछे जा, सबसे आगे खड़ी हुई है। हाँ अभी देखो, बात सुनो 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 रे बच्चों, राइट बोलूंगी लेफ्ट जाना है, लेफ्ट बोला राइट जाना है, ठीक है? तुम्हारा राइट कौन सा है? ये वाला। तो मैंने लेफ्ट बोला तो तुमको इधर जाना है, ठीक है? निशु समझ में आया? अगर मैंने राइट बोला तो आपका राइट हैंड कौन सा है? ये वाला। तो आपको लेफ्ट जाना है। मैंने राइट बोला तो आपको दूसरी तरफ जाना है, ठीक है? ओके राइट, ओके लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट राइट। वही रहे, वही पे जंप किया। ओके अभी जल्दी जल्दी होगा, ठीक है? राइट और अबे कौन कौन हिला दीपक, थोड़ी सी मेरी बारी। चलो चलो चलो, जिस चीज का इंतजार था। रेडी, छोटे से बड़ा रेडी, लेफ्ट राइट। अरे जल्दी जल्दी करो, लेफ्ट ले। दीपिका उधर गई है ना, रेडी ठीक है? बोल रही हो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट
लेफ्ट लेफ्ट इधर आजा। आज दोनों बहनें कुछ नया ट्राई कर रही हैं जी, जल जीरे का पानी दे लैपटॉप के पास में, गिरा देगी ठीक है, ले जानी से इसको उठा के। हाँ जी नींबू पानी, नहीं नींबू पानी पुराना कर दिया जी, ये बनाया है यार इसी ने बनाया है। मैंने कर रखा भाई किचन में अपने लंच की तैयार, सब्जी तो बन गई है, बंद कर दिए, आटा लगा लिया है, बस अब रोटी बनानी बाकी है तो रोटी बनाऊंगी, और आज थोड़ा बटर भी निकाला है तो ये आ गया बटर, तो ले लेंगे थोड़ा सा गर्म रोटियों के साथ, तो अभी बस रोटी बनाते हैं फिर खाना खाएंगे। और इधर पानी चला रखा है जी इस बंटे में मैंने पीने का, ये भर जाएगा इसको रखूंगी फिर। ये है जी आज का खाना, चिचिंदे और आलू की सब्जी, साथ में थोड़ी आमी की सब्जी भी बच रही है, प्याज है, राबड़ी है और बटर डाला हुआ है आज मैंने फ्रेश फ्रेश। तो ये आज का लंच, ये बच्चा कर चुका है जाके टीवी देखने लग गया, और ये कर रहा है अभी। यहाँ पर मम्मी है, कर रही है मेरे शूट की को बना रही है। कितना हो गया? थोड़ा सा बाकी है, बन लेगा। पक्का? हाँ। अभी इसके बाद दीदी का सूट बचा है। दीदी का बचा है और क्या? तेरा ही होगा। कितने दिन हो गए मेरे को इसको लगे हुए? कितने दिन में जाके तेरा ही बना है? दीदी का तो नंबर ही नहीं आया है अभी। उसके सिलवार तो बना दिया, मेरा सिलवार बना दिया और दीदी का। ऐसा है अभी, दिखा तो थोड़ी देर में तैयार कर देते फिर दिखाऊं, ये भी बाकी है थोड़ा सा काम फिर दिखाऊं। यहाँ पर दीदी के लिए कपड़ा होगा ये वाला। ये देखो जी, ये है मेरी आज की मेहनत, ये निशिता की ड्रेस बन के आज तैयार हुई है, योशी की नहीं हुई है। बॉटम मैंने पहले से कर रखा था, दो तीन दिन हो गए इसको तो किए हुए, ये कर रखा था, आज वो किया है, उसका भी मतलब कर रही थी थोड़ा थोड़ा, पर आज कंप्लीट हो गया है। तो बॉटम में इसमें नीचे मैंने इस तरह का ये डिजाइन बनाया, थोड़ा सा ज़्यादा भारी नहीं हुई क्योंकि कपड़ा नहीं था, क्योंकि दोनों के बना रही हूँ ना, योशी का भी नीसू का, मैंने सोची सेम सेम हो जाएगा दोनों बहनों का, इसलिए कपड़ा कम पड़ रहा है। तो अभी ये मैंने फिर थोड़ा सा हल्का ही बनाया उसका, बस इस तरह से थोड़ा सा वो रहता है ना पेंट रहता है थोड़ा सा, उस टाइप का है बॉटम का, और ऊपर का भी ये इतना ही कपड़ा था, इससे और नीचा करने का भी कपड़ा नहीं था। और फिर बहुत ज़्यादा मेहनत में करना नहीं था इन पे, क्योंकि ना पता है मेरे को बच्चे हैं यार निशु खासकर बहुत कम पहनते हैं ये ऐसे कपड़े, कंफर्टेबल चाहिए इनको, टी शर्ट वगैरह ये ऐसे इतना वो नहीं रहते ये लोग कम्फर्टेबल ना इसमें। तो ये सोचा तो ऐसे था कि इधर से सील दूँगी, पर फिर मैंने उसको पहना के देखा तो अभी तो लूज है, फिर ये डोरी लगाई कि लूज है तो टाइट करने के लिए थोड़ा फिटिंग में दिखेगा, और टाइट कर रही थी फिर उसको पहनने में परेशानी हो रही थी, फिर वो एक बार किसी चीज़ से परेशान हो गई ना फिर वो नहीं करती है, तो इसलिए फिर मैंने इसको अच्छे से लूज कर दिया और फिर ये डोरी लगा दी कि जैसे पहनेगी तो फिटिंग करने के लिए इसको बांध दूँगी तो थोड़ी सी फिटिंग दिख जाएगी। तो ये है आज की मेरी मेहनत, कुछ जो शाम को टाइम मिला था उसमें किया है जी, सुबह तो वही घर का ही रहता है, तो अभी शाम को ये कंप्लीट कर दिया, योशी का भी देखेंगे कल परसों का भी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही होगा ऐसे ही होता है। तो बस अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा खाने पीने का देखना है, कुछ फ़ोन वोन का काम करना है, बच्चे खेलने गए हैं तो राबड़ी वगैरह बनाती हूँ और थोड़ा कुछ खाने पीने का देखती हूँ। आज निशु ने बोला पापा पानी पूरी लाना, तो आज इसका पानी पूरी खाने का मन था, तो अभी ये हस्बैंड आए ऑफिस से तो लेके आए हैं, और मीठे में भी कुछ लेके आए हैं। ये है, ये आई है जलेबी, जलेबी पानी पूरी और खाना भी रखा है। अरे वो ला दो रोटी, ला दो साथ साथ में रोटी रोटी सब्जी कौन खाएगा। तो भी तो जी इस बे मंडी है, पहले जी इनका मजा लेते हैं पानी पूरी का जलेबी का, रोटी फिर खाएंगे बाद में, थोड़ी बहुत भूख रहेगी वो खा लेंगी रोटी थोड़ी बहुत।